क्या बोलता है क्या तेरे बैग में किधर सो है ना। कितना काम करवाया लोगों ने तुम्हारे बिना मेरा। आया हूँ सुनने के लिए सर। इसके लिए तो बुलाया ना आपको जल्दी 5 दिन में। कैसा रहा सब? मिल नहीं आया किससे? हेलो उसका टाइम कहाँ है? अरे पसंद आई देखा? नहीं नहीं सर मैं देखा ही नहीं। अरे झूठे सही बताया तूने देखा नहीं होगा। बात हुई? नहीं बात चल रहा है उधर। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्कार कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए शूट से जब मैं घर आया तो कुछ तो मेरे लिए इन सब बच्चों ने जो है वो प्लान कर रखा था। मैं अंदाज़ा मुझे हो गया था तो बस उसी के लिए मैं जा रहा था सबा के फ्लैट पे। आगे देखिए क्या सरप्राइज़ है। बेल तो बजाओ। ये उल्टा लगा दिया स्पीकर, बाहर आवाज आ रही है। क्या कर रहा है ब्रो? क्या कर रहा है तुम ब्रो? ये क्या खोले खोले क्या है? क्या कर रहा है? यहाँ से आवाज कैसे आ रही है? आती है ना स्पीकर है ना वहाँ पे। पर यहाँ से बाहर बात तो नहीं करी कौन? अच्छा मुझे ये नहीं पता था। ले डफर मैं। क्या है क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ब्रो? मुझे मुझे आवाज सुनाई दे मुझे भी आप दिख रहे हो। अबे बोलोगे यार? वेट करवाता रहता कभी तुम कभी ये क्या कर रहे हो? कुछ स्केट पे बैठ के क्या कर रहे हो यार? तेरी तो क्या है ये? अच्छा इसलिए इसलिए आज तो नहीं दिख रहा। कब चलोगे कब चलोगे? मुबारक ऑफिशियली भी मुबारकबाद। हम अच्छे से कहा मैंने कांटे भी लाया तुम्हारे। तो ये था yes. ये था। अब ये इसकी सरप्राइज कर दिया था yes. पहले ये देख लो रेहान तो इसको सरप्राइज मत करियो। मैंने कुछ नहीं बोला मैंने कुछ भी नहीं बोला। बताया नहीं बताया नहीं बताया नहीं जरा ओवर एक्साइटेड। मैंने कुछ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बैठे बैठे चलिए भाई ऊपर। मैंने ऊपर क्यों नहीं चलिए इसलिए आप जाते ना उस आ जाऊंगा अभी तो आया हूँ मैं अभी आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है पर चलना जरूर ना। घर पर आए क्या देखो किसने बनाया क्या किया तुम लोगों ने बनाया? वाह क्या बात है बहुत मेहनत की है सच में चलो डॉक्टर कर ले खाना वाना है कुछ नहीं है। डाइट में उनका भी 4-5 देवा जाएगा। देखो तो आप पहले बता दिया करो बाहर गए सब लेके आए फिर ये थैंक यू और थैंक यू आप सबको कि हमारी फैमिली इंस्टाग्राम पे भी ग्रो करती जा रही है धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मिलियन लोग हो गए हैं तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें झेलने के लिए। पर और जिन्होंने नहीं जो नहीं झेलना चाहते जिन्होंने नहीं झेला है अब तक तो उनका भी शुक्रिया। झेल लीजिए झेल लीजिए मतलब फॉलो कर लीजिएगा बट दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमारी फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करती जा रही है इंशाल्लाह अभी 3 मिलियन में आगे भी बढ़ते जाएंगे ऐसे ही और हम आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स या जो भी हमारी स्टोरीज होती है दिन भर की वो होती है हम करते जाएंगे और बस दुआ करते हैं कि आपका हमारा साथ ऐसे ही बना रहे
चलो वहाँ काटते हैं सब के पास। तो ये हम सब मतलब हम सब मिलके इसका केक काटेंगे 3 मिलियन का। और तो चलो केक कट करते हैं। अरे अभी वो और ये अंदर घुस जाएगी, पहले खून मार लो ये सब। थैंक यू, लो आओ पकड़ो 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 पकड़ो। ये दीपिका के 7th मंथ का सबा की भी मुबारकबाद, अल्लाह पाक जल्दी से ठीक हो सब अच्छे से। ये रेहान निजा बेचारे अच्छे नंबर बुरे नंबर मेहर के लिए सनी 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 नेक्स्ट वीक से जिम जाएगा उसके लिए साथ सबके लिए। गला हुआ क्या? अच्छा है। I think वो first time गया था, तुमने बड़ा अच्छा बनाया था। अच्छा बनाया है? अच्छा। तुम चारों की रेसिपी है। हाँ। अच्छा हो, क्योंकि कुछ भी होता है तो मुझे भाभी की रेसिपी है। वो यू मेरे प्लीज और बचा ली। नहीं जरूरी बात है। चारों? हाँ। चारों में बहुत ज़्यादा। Good। अच्छा बनाया। एक साल हो गया पूरा। बहुत अच्छा है ना। एक छोटा सा सरप्राइज। शानू भाई समझ जाइए, समझ जाइए। बहुत डब्बा डब्बा देखिए, सोचिए, समझ जाइए, समझ जाइए क्या है। समझ गया ना। अरे समझ गया, ठंडा ठंडा देख के कितना पैक किया भैया। किसी को नहीं पता था, हमने कहा था सबसे अच्छा ये दो सबसे बेस्ट है। इसलिए इतनी रैपिंग करिए ताकि ठंडा ना लगे। बार 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 ऊपर की बच गई थी सजा कब से करोगे? अच्छा इससे भी पूछा था तो वापस खाओगे? कालो चलो शोएब, आप जो इतनी मेहनत करते हो इंस्टा पे अच्छी अच्छी फोटोज रील्स डालने के लिए उसकी गिफ्ट है। थैंक यू मम्मी, याद रखो ये गिफ्ट। उसके लिए शोएब मम्मी के लिए भी बनता है। अम्मी के लिए मैं क्या चाहिए आपको? बिरयानी खाने के बदले खाना मिलेगा अम्मी? ये तो बेईमानी हो गई। खाना तो मिला बताई थी केसर पिस्ता है। चम्मच लगा ना। एंड देन इस दिन शूट पे एक स्पेशल डांस सीक्वेंस था। वो क्यों था, किस लिए था, वो आप सबको आगे पता चलेगा, वो आप देखना अजूनी में। तो उसका रिहर्स हम लोग कर रहे थे।
ये देखो आज कौन आया सेट पे, आज आई दीपी सेट पे। रखा हो अभी इधर रूम में, ये रूम में। हाय मैन, मैंने बुलाई लिया, मैंने बोल दिया आ जाओ यार अभी। पहले मैंने मुझे बोला 2 घंटे आप सो जाओ, तो ये व्लॉग में अगर देखा जाए तो अब मैं आपसे इस तरीके से ऐसे बात कर रहा हूँ, सारे व्लॉग मतलब क्लिप्स शूट करके मैंने ऐसे करे हैं क्योंकि वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला और फिर बिजी रहा कहीं ना कहाँ। आज फ्राइडे है, आज मेरा लकीली ऑफ है, तो जैसे अभी नमाज से आया हूँ एंड अभी जाना है थोड़ा सा बाहर निकल के, आज छुट्टी है तो मैंने सोचा थोड़ा दीपिका को घुमा दूँ एंड कल पापा का बर्थडे भी है इंशाल्लाह, तो उनके लिए भी कुछ खरीद लूँगा साथ साथ। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। दीपिका जो है वो रेडी हो रही है, मैं अभी जस्ट नमाज से आया हूँ तो मैं भी चेंज कर लेता हूँ एंड देन जब तक फिलहाल बीच बीच में मैं ब्लॉग भी एडिट कर लेता हूँ। कल दीपिका आई थी सेट पे, उसके बाद हम चले गए ओबेरॉय क्योंकि मेरा थाली खाने का मन था, मैंने थाली खाई एंड देन फिर घूमते फिरते आ गए। दीपिका बहुत वक्त से बोल रही थी उन्हें निमिषा जी से मिलना है, तो कल सही मौका था। मैंने कहा था आज डांस भी है सेट पे, मज़ेदार माहौल भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, तो आज आ जाओ। तो वो आई, वो मिली मैम से, आप जानते होंगे उन्हें, आपने देखा होगा ससुराल से, मगर मैं मनोरंजन मौसी का कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रही थी एंड दीपिका और निमिषा मैम साथ में रूम शेयर किया करती थी, तो उन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी थी, आज भी है। तो यस, अभी फिलहाल देखते हैं, मैं भी चेंज करता हूँ फिर आपसे बात करते हैं। रेडी हो गई? नहीं हुई अभी? नहीं। क्यों, क्या कर रही हो? अभी बाकी है, मेरा दुपट्टा पीकू खिले गया। पीकू खिले गया? फिर तो ये अभी मैं ऐसे ही दुपट्टा लेके घूमूंगी, तो हमें वेट करना पड़ेगा और 10 मिनट। चलो रेडी बजने वाले हैं, आप बिजी हो? मैं रेडी हूँ। आप तब से एडिट कर रहे हो गया? मैं जब से रेडी बैठा हूँ। ठीक है चलो, मैं व्हाइट दुपट्टे में चलो जूते तो पहन लूँ? नहीं, शूज तो पहन लूँ, शूज तो पहनने दो। हाँ तो चलो, मैं भी चप्पल पहन के चलती हूँ, चलो रेडी। चलो देखो भाई, मैं रेडी हूँ पूरा। तो फाइनली हम दोनों रेडी, अब भी देखो अंकित देखो पीछे बैठा हुआ है। हेलो हेलो, देखा देखा, ये प्रूफ है कि ये दोनों एडिट कर रहे हैं। नहीं, उसको मैंने फोन दे दिया था, वो अपना एडिट कर रहा था, मैं रेडी हो रहा था, मैं हो गया रेडी। तो फिलहाल अभी हम रेडी है, अभी हम निकलते हैं जाएंगे। हमारा हर बार का जब भी हम शूट कर रहे होते हैं तो बैल बजती है और रो जाता है, तो इसलिए बीच में कट हो गया। तो फाइनली हम दोनों अभी हो गए हैं रेडी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकलेंगे फटाक से जल्दी से, क्योंकि फिर रात को जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ, रात को लौट के आना है, पापा का ब्रिंगिंग करेंगे। कल मेरा ऑफ नहीं है लेकिन कल मैंने वही सेम 7 बजे का आउट टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह मैं 7 बजे तक, 7 बजे निकलूंगा तो 8 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और चलो पापा के लिए कुछ ले लेते हैं, क्या लें, क्योंकि पापा को नहीं, पापा के लिए कुछ लेने में समझ में नहीं आता, क्योंकि पापा को किसी भी चीज़ में मतलब उनका ऐसा नहीं है कि हाँ, बस अभी अभी कुछ दिनों से कपड़े थोड़ा सा उन्होंने अच्छा लगता है उन्हें पहनना चाहिए, तो उन्होंने लुक फॉरवर्ड करते हैं। आज भी सुबह से दोनों की डिस्कशन, अभी मैं आपको और पापा की शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आज भी वो एक नया कुर्ता पहन के बैठे हैं, आज फ्राइडे तो नया कुर्ता पहन के बैठे हैं, सुबह डिस्कशन कर रहे थे कि रात को ही पहन के चलेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं, अभी जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी अमल करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसे वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए, जल्दी मिलेंगे। एंड रही बात सबा की, तो सबा भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेटर है, ब्लीडिंग थोड़ी कम है उसको, लेकिन हाँ अभी टैबलेट्स चल रही हैं ब्लीडिंग की। 8 तारीख को उसका स्कैन है ना, 8 को है ना, 8 के बाद चीज़ें जो हैं वो और अच्छे से क्लियरली पता चलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप सबको पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बस
हार्ट बीट जो अबनॉर्मल थी वो नॉर्मल हो जाए ना, तो अगर ब्लीडिंग भी होती रहेगी चीजें तो चलो ठीक है, होता है। कई जैसे मैंने कमेंट्स पढ़े, कई लोगों ने मैसेज किए हैं दीपिका को, सभा को, मुझे भी मैसेज किए हैं कि हमारे प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने ब्लीडिंग हुई है हमें, हम बेड रेस्ट पे थे पर चीजें हो जाती हैं। लेकिन बस दुआ करिए कि वो हार्ट बीट जो है थोड़ा सा नॉर्मल अगर आ गई तो सब वो होगा, बट अभी हार्ट बीट लास्ट स्कैन तक अब नॉर्मल थी, तो देखते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बाकी जो अल्लाह की मर्जी है, बाकी वो भी थोड़ा सा अभी नॉर्मल है, खुश रहने की कोशिश कर रही है, हम सब उसके साथ हैं। ज़्यादा उसको रेस्ट ही दे रहे हैं मोस्टली, थोड़ा बहुत इस रूम से उस रूम में कभी आ जाती है, बैठ जाती है, क्योंकि एक इंसान दिन भर 24 घंटे एक ही बेड पे नहीं बैठ सकता, तो कभी इस रूम में आ गई कभी उस रूम में आ गई, मोस्टली वो रेस्ट ही करती है। और सनी तो बहुत अच्छे से उसका ख्याल, सनी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, साथ है पूरा वक्त, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो दो इट्स नॉट इन द राइट फेज बट इट्स गुड टू सी बोथ ऑफ देम दिस वे तो ये है सबा की हेल्थ का अपडेट, एंड बस जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये देखो मस्त नया नया कुर्ता पहन के बैठे हैं, चलो आ रहा हूँ मैं। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। कुछ चाहिए? कुछ स्पेशल फरमाइश तो बोल दो। कुछ फरमाइश नहीं, कुछ नहीं है। हाँ? बस ये है ना, हाँ, वो वाले गोल गले टी शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट, हाँ, और टहलने के लिए, हाँ, जाते ना राउंड मारने नीचे, और ये लोअर खत्म हो गए, ट्रैक्स, ट्रैक पैंट, खाली पैंट बस, ट्रैक पैंट ना, हाँ ठीक है, वो मैं लेके आता हूँ, चलो आता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। क्या देख रहे हो ये? अरे क्राइम पेट्रोल। पुराना है ये। चलो ठीक, अब पुराना आ रहा है आजकल, बंद होने वाला है कभी नहीं। अच्छा।